हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको आलू की टिक्की की रेसिपी बताऊंगी। इससे पहले भी मैं आलू की टिक्की की रेसिपी डाल चुकी हूँ, उसमें मैंने दाल की स्टफिंग की थी। का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर आप इंस्टेंट आलू की टिक्की बनाना चाहते हो जो कि बहुत ही जल्दी बन जाए, तो आप इस टिक्की को ट्राई कर सकते हो। ये आलू की टिक्की बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे झटपट से बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले हम आलू को बॉईल कर लेंगे और इसको छील लेंगे। हमने सारे आलू छील लिए हैं। अब हम पोटैटो मैशर की हेल्प से इस सारे आलू को अच्छे से मैश कर देंगे। आप इनको कद्दूकस भी कर सकते हो। हमने सारे आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके अलावा हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा हुआ अदरक, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा और हींग चाहिए। अब हम मैश किए हुए आलू में ये सब सामान ऐड कर देंगे। हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा और हींग ऐड कर देंगे। अब हम 4 बड़े चम्मच चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच सूजी को मिला लेंगे और इसे हम इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसे आटे की तरह गूंद लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा चावल का आटा और सूजी मिलाते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंदते जाएंगे। हमें इसे एक डो की फॉर्म में रखना है। अगर आपको ये ढीला लगे तो आप इसमें और चावल का आटा मिला सकते हो। ये अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम अपने हाथों में हल्का तेल लगा लेंगे और थोड़ा सा आलू का बैटर लेंगे और इसे मिला के अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। अब हम इसे हल्का सा प्रेस करेंगे और इसे एक टिक्की की शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, इसके बैटर में चावल का आटा और सूजी डालने से टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनती है। इसी तरह से हम बाकी की टिक्की को भी तैयार कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तेल ऐड करेंगे। हम सारी टिक्की के ऊपर सफ़ेद तेल डालेंगे और इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि टिक्की के ऊपर सफ़ेद तेल अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसे एक बार पलट देंगे और फिर से हम इसके ऊपर तेल ऐड करके इसको प्रेस कर देंगे। अब टिक्कियाँ शैलो फ्राई होने के लिए रेडी हैं। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम टिक्कियों को इसके अंदर डाल देंगे। हम इन टिक्कियों को शैलो फ्राई करेंगे। अब हम इसे पलट देंगे। हमें इसे क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे फिर से पलट देंगे। ये अच्छे से क्रिस्पी हो रही हैं। आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ भी मेरे साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर कुछ भी पूछना चाहते हो इस रेसिपी के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, ये आलू की टिक्की बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत टेस्टी भी बनती है। आलू की टिक्की बनके अब रेडी है। आप इसे हरी चटनी और मीठी चटनी के साथ सर्व कीजिए। इमली की मीठी चटनी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फ्रेंड्स, आप उसे भी जरूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।